हेलो बॉयज़, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ रेजिस्टिविटी के सबसे अच्छे क्वेश्चन। अगर आपको अ 4 ओम वायर, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अ 4 ओम वायर इज डबल्ड ऑन इट, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अगर एक 4 ओम के वायर को हम डबल कर देते हैं तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया फिजिक्स का कोई भी सवाल लगाने से पहले कि आपको R1 इसमें दिया हुआ है 4 ओम, 4 ओम दिया है। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, डबल ऑन इट, डबल कर दे रहे हैं, तो न्यू रेजिस्टेंस बताना है, मतलब R2 इक्वल टू व्हाट। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज करिए ये वायर है, ये मेरा वायर है, ये वायर है, ये अभी R1 के लिए ये L है, लेंथ क्या है इसका, L ही है। मगर जैसे मैं इसको, और एरिया क्या है इसका, जो भी एरिया सर्कल फॉर्म में होगा वही होगा इसका एरिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, डबल ऑन इट, डबल कर दे रहा हूँ इसको। तो देखिए डबल करने पे इसका क्या क्या इसमें चेंजेज आ रहा है कि जो लेंथ था वो पहले L था, अब लेंथ कितना हो गया, L/2, आधा हो गया ना। डबल ऑन इट मतलब उसी का डबल करना, आधा हो गया। और एरिया क्या हुआ, एक तो पहले से था दूसरा एरिया, तो ये इसकी एरिया बढ़ गई। सिंपल सी बात है कि यदि एक मान लीजिए वायर है, ये रहा मेरा वायर, ठीक है, अब मैंने इसको बीच में से कट किया ऐसे और डबल ऑन इट कर दिया, तो कहने का मतलब ये जो वायर था वो मेरा इस पे ऐसे आके ये वायर डबल ऑन मतलब मुड़ गया। तो क्या हुआ, इसका लेंथ जो हुआ वो एल, मान लीजिए मैंने पहले एज्यूम किया था एल, तो अब क्या हो गया, लेंथ तो हाफ हो गया, L/2 हो गया, बट एरिया कितना हुआ, अगर एरिया इसका ए था तो अब इसका 2 एरिया बन गया ना, तो 2A हो गया। अब देखिए करना क्या है, मगर मैंने बताया उसी वायर को, मतलब वही वायर है जिसको मैंने डबल किया है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है R = ρL/A, ये मेरा रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ R1 कर दूंगा, ठीक, इसको L1 कर दूंगा, इसको A1 कर दूंगा। ध्यान से देखिएगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही इसलिए मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन में मेरा क्या था कि मेरा जो रो था वो रो ही है, L1 मेरा L था मान लेते हैं, और A1 मेरा A है, ये हो गया इक्वेशन बिकम फर्स्ट। फिर जब मैं R2 लिखा तो ρL2/A2 लिखा हमने, तो रो तो मेरा रो ही है, रेजिस्टिविटी। L2 क्या हो गया मेरा, मैंने अभी बताया था हाफ कर दिया मैंने इसको, मतलब L/2, और एरिया क्या हो गया, एरिया मेरा डबल हो गया, मतलब 2A। इसे सही कर लेंगे तो रो एल, ये 2 जो है बाई में चला जाएगा, तो 2 × 2A, तो कहने का मतलब रो एल 2 × 4 = 4A, इक्वेशन बिकम सेकेंड। अब देखिए हमें पूछ क्या रहा है, R2, तो जब भी मुझे R2 पूछता है ना नेक्स्ट वाला, तो मैं हमेशा 2/1 करता हूँ, तो आप भी वही कीजिए, R2/R1 इज इक्वल टू, R2 मेरा कितना है, ρL/4A, और पूरे का डिवाइड R1 क्या है, ρL/A। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, ρL/4A * पलट जाएगा ये A/ρL, देखिए ρ से ρ, L से L कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट। अब होगा क्या, R2/R1, R1 की वैल्यू मुझे पहले से पता थी, R1 की वैल्यू मेरी थी क्या, R1 की वैल्यू मेरी क्या थी, R2 मुझे फाइंड करना, R1 की वैल्यू 4, इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ऊपर में 1 बचा, नीचे 4, तो 1/4, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो R2 = 4/4 कैंसिल आउट, तो R2 = क्या हो गया मेरा, 1 ओम। ठीक है, इस तरह से तो मेरा ये काम हो गया कि मेरा R2 की वैल्यू फाइंड हो गई।
अब देखिए, अगर मान लीजिए इसे मुझे जल्दी से जानना हो कि शॉर्टकट में जल्दी से कैसे जानेंगे, ये तो रहा आपका बोर्ड में लिखने का तरीका। आप इस तरह लिखिएगा, अगर मुझे इसे जल्दी से जानना हो कि करना क्या है, तो एक रिलेशन होता है, वो देखिएगा आप, रिलेशन आर टू बाई आर वन, ये मुझे करना है। मुझे पता है कि मैं अपना जान रहा हूँ कि आर वन मेरा जो है उसमें एरिया है ए, रो रो ही है, एल एल ही है, आर टू में चेंजेज हुआ है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ इसमें से, मैं लिख सकता हूँ इसको कि मेरा वन वन बाई क्या हो रहा है, देखिए इसे जल्दी जल्दी लिखना हो तो रो एल टू की जगह मैंने क्या किया, दो एल कर लिया, मतलब रो रो है ही नहीं मेरा, मान लीजिए रो हम हटा दिए, ठीक है। एरिया मेरा क्या है, इसका एरिया इसका एरिया कैंसिल आउट है, तो रो रो मैंने क्या किया कि फिर से इसे देख लीजिए, जैसे मैं लिख दिया इसको रो और ये मैंने कर दिया एल बाई टू, एल बाई टू और बाय, यहाँ पे फिर मेरा क्या था, यहाँ पे मेरा था रो, एल की जगह एल ही था, इंटू टू, तो ये बाई टू है तो डायरेक्ट हम ले लेंगे, रो रो कैंसिल आउट हो गया, एल एल कैंसिल आउट हो गया, तो वन बाई फोर, आर टू बाई आर वन, तो आर टू इजक्वल टू फोर बाई फोर कैंसिल आउट, आर टू इजक्वल टू वन ओम, ऐसे डायरेक्ट निकाल लीजिए। अब करना क्या है, देखिए जैसे ही क्या होगा कि मेरे कहने का मतलब आप देखते जाइए, जितना लंबा वायर वायर है उतना ज़्यादा फ्रिक्शन कुछ ना कुछ तो इसमें क्रिएट होगी ना, जब भी कुछ फ्लो होगा तो फ्रिक्शन क्रिएट होगी। अगर मैं बोला कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसे, अब इसको फ्रिक्शन से समझिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको चार मिनट लग गया, चार मिनट लग गया, मान लीजिए चार ओम इसमें रेजिस्टेंस हुआ, इसको आधा कर दिए हम, तो भाई आधा कर दिए तो क्या हो गया, ये भी तो आधा हो जाएगा, मतलब आधा कर दिए तो बाई फोर, इसी हिसाब से काम होता है। अब मानिए ये क्वेश्चन तो मेरा हो गया। कभी कभी क्या करेगा कि आपको रो दे, आर रेजिस्टेंस देगा, रो देगा, एल देगा, बाई आपको एरिया नहीं देगा, एरिया की जगह आपको कुछ भी दे देगा, यहाँ पे डायमीटर दे दे या रेडियस दे देगा, आपको बोलेगा आप रेजिस्टेंस निकालिए या रेजिस्टिविटी निकालिए या तो ये। अब आपको यहाँ पे रेजिस्टिविटी का यदि फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला याद है, अब रेजिस्टिविटी की आपको यूनिट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आर इंटू ए, एल को यहाँ कर दीजिए, ठीक है, और इसे क्या कर दीजिए रो, आर का ओम, एरिया कभी भी होगा तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, तो मान लेते हैं मीटर स्क्वायर, लेंथ जब एरिया मीटर में होगा तो लेंथ भी मीटर में होगा, मीटर इक्वल टू रो, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, रो इक्वल टू ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, इस तरह से होगा ये होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में जरूर से जरूर आने वाला ही है, ये कोई भी डाउट नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे ही आएंगे। अब देखिए यहाँ बोला है कि व्हाट शुड बी द लेंथ, पूछ रहा व्हाट शुड बी द लेंथ, लेंथ क्या होगा, व्हाट शुड बी द लेंथ, ठीक है, तो मेरे को पहले पूछ दिया व्हाट शुड बी द लेंथ, तो मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है, मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर टू बोला है व्हाट शुड बी द लेंथ लेंथ ऑफ अ नाइक्रोन वायर ऑफ रेजिस्टेंस, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4.5 ओम, इफ द लेंथ ऑफ अ सिमिलर वायर इज 60 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस
एंड रेजिस्टेंस 2.5 ओम। देखिए व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम का वायर है कोई, नाइक्रोम वायर ऑफ रेजिस्टेंस, पहले पूछ दिया व्हाट शुड बी द लेंथ, पहले ही आपसे पूछ दिया है क्या लेंथ होगा ऑफ अ नाइक्रोम वायर ऑफ रेजिस्टेंस जिसका 4.5 ओम रेजिस्टेंस होगा। इफ द लेंथ ऑफ अ सिमिलर वायर, एक वर्ड दिया हुआ है सिमिलर वायर, मतलब सिमिलर वायर क्या मतलब रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी, इज 60 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 2.5 ओम। तो मतलब मेरे को जो पहला रेजिस्टेंस दिया है, पहले पूछ रहा व्हाट शुड बी द लेंथ, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले विथ सिंबल मैंने आपको कितनी बार बताया है कि हम लोग इसे उतार लेंगे, तो L1 इक्वल टू वाट, वायर ऑफ द रेजिस्टेंस 4.5 ओम, तो R1 इक्वल टू 4.5 ओम, मैंने इसे लिख लिया। इफ द लेंथ ऑफ द सिमिलर वायर, सिमिलर वायर है इज 60 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है ये 60 सेंटीमीटर है, देखिए ओम का सेंटीमीटर के साथ रिलेशन होगा। रेजिस्टेंस 2.5 ओम, तो यहाँ पे मेरे को R2 दिया है 2.5 ओम। अब देखिए सिंपल सा एकदम लॉजिकली क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें एरिया का कोई रोल नहीं है, L1 L2 का रेशियो है हमारा, ठीक है, और मेरा कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको इसको अच्छी तरीके से बता दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। वैसे मैं इसका डायरेक्ट रिलेशन भी बता सकता हूँ, मगर देखिए R1 इक्वल टू आप करेंगे रो L1 बाई A1, सपोज करिए, तो रो रो ही है मेरा, L1 मुझे फाइंड ही करना है और एरिया मेरा ए ही है, ठीक है, ये मान लीजिए क्वेश्चन एकदम फर्स्ट। R2 इक्वल टू रो L2 बाई A2, इक्वल टू रो की जगह रो है, L2 की जगह मेरा दिया हुआ है 60 बाई A2, ए ही है, इक्वेशन बिकम सेकेंड। R1 R2 की वैल्यू मुझे दिया ही है, गिवेन है, तो हम करेंगे क्या, देखिए ध्यान से, हम करेंगे R1 बाई R2, R1 बाई R2 इज इक्वल टू जो भी करना हो आपको, R1 बाई R2 या R2 बाई R1 जो भी आपको करना हो, इज इक्वल टू, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस चीज़ को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस जगह पे अगर हम रो L1 करेंगे बाई A1 करेंगे बाई रो इंटू 60 बाई A करेंगे, तो A से A कैंसिल आउट, रो से रो कैंसिल आउट, ये दिया जाता है तो L1 बाई 60। मैं इसलिए समझा देता हूँ आप लोग को कि कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए भी होना चाहिए, वीडियो किसी एक के लिए नहीं होना चाहिए कि जिसे समझ में आ गया कि ये सर क्या समझा रहे हैं, ये सब तो हम लोग को आता ही है, मैंने बोला जिसको आता है वो भी कभी कभी गलतियाँ करता है, इसलिए देखिए, नहीं तो यदि इसे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा रो L1 A into A by रो into 60, जिसको नहीं समझ में आया वो इस तरह समझे, ए से ए कैंसिल आउट, रो से रो कैंसिल, L1 बाई 60, तो हम लोग यहाँ के लिखेंगे L1 बाई 60। R1 की वैल्यू 4.5, R2 वैल्यू 2.5 इक्वल टू L1 बाई 60, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 5 5 जो 25, 5 9 जा 45, ठीक है, ये 60 को इधर कर देंगे हम लोग, 9 into 60 by 5 इक्वल टू L1, 5 से कैंसिल आउट करेंगे हम लोग, क्या होगा ये 5 से कैंसिल आउट होने पे, 5 5 जा 5 5 2 जा 10 और 12 9 जा 108 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर देखिए एकदम इजी तरीके से आ गया। चाहता तो मैं तुरंत आपको रिलेशन बताता, R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई 60, ये भी मैं रिलेशन बता के यहीं शुरू कर देता, मगर बोर्ड एग्जाम में जब भी हम लिखते हैं तो किसी चीज़ को अगर अच्छे से डिफाइन करते हैं तो एग्जामिनर जो होता है उस पर इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, बाकी शॉर्ट के लिए तो बना ही है सब चीज़ें, तो किसी भी चीज़ को डीपली तरीके से समझ लीजिए। और मेरे कहने का मतलब ये है कि बोर्ड एग्जाम आ रहा है, बोर्ड एग्जाम में जो जो मेरे वीडियो कभी भी पा रहा है, मानते हैं मेरे वीडियो में थोड़ा सा भी कैमरे क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, मगर जो भी वीडियो किसी के पास आ रहा है वो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे उसका भी भला हो, और अगर आप किसी का भला करोगे तो आपके साथ कोई बुरा होता ही नहीं है, ये हमारी बात हमेशा याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको उसका मिलेगा ही फल। अब देखिए
इसी तरह मान लीजिए एक सिंपल कोई भी क्वेश्चन, मैं यहाँ पे प्रदीप की बुक को पढ़ा रहा हूँ, बट आप कोई भी सिंपल क्वेश्चन उठा लीजिए। जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है, यहां बोल रहा है कि अ मेटल वायर रेजिस्टिविटी, अ मेटल वायर रेजिस्टिविटी विटी अ मेटल वायर रेजिस्टिविटी 64 × 10⁻⁶। सही है, रेजिस्टिविटी 64 × 10⁶ ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, एंड लेंथ 198, ये भी मेरा सेंटीमीटर में दिया है। देखिए कभी कभी कंफ्यूजन क्या होती है ना, कि यहाँ सेंटीमीटर में दिया होगा, अगर ये सेंटीमीटर में है तो आप इसे सेंटीमीटर में छोड़ दीजिएगा, अगर ये मीटर में है तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, बट इसे मत डिस्टर्ब करिएगा। अगर ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बनाने की कोशिश मत करिए, कर भी सकते हैं आप, यदि आपके पास है मतलब आप जानते हैं, कॉन्फिडेंस है तो उसे चेंज कीजिएगा। ये हुआ, अब पूछ रहा हैज द रेजिस्टेंस, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 7 ओम, ऑफ 7 ओम, कैलकुलेट द रेडियस, कैलकुलेट द रेडियस, कैलकुलेट द रेडियस, ये दिया हुआ है। बोला अ मेटल वायर रेजिस्टिविटी इतना, 64 × 10⁻⁶ एंड लेंथ 198 सेंटीमीटर, हैज अ रेजिस्टेंस 7 ओम, कैलकुलेट द रेडियस। सपोज करिए रेडियस की जगह मैं एरिया ही बोल देता तो कि एरिया निकालिए, डायमीटर में बोल देता, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो आपको करना क्या है, विथ सिंबल जो जो चीज़ें पहले हम उतारते हैं, 64 × 10⁻⁶ रेजिस्टिविटी हो गई, लेंथ है 198 सेंटीमीटर, देखेंगे ये भी ओम सेंटीमीटर में दिया है तो ये दोनों टैली करेंगे, सही है, ये हो गया। आप इस तरह के मार्क में बोर्ड में सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं मार्क। आर दिया हुआ आपको 7 ओम, कैलकुलेट द रेडियस, रेडियस हमें फाइंड करना है, आर इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये ई नहीं है मेरा, रो है, रो एल बाई ए, तो ए पहले निकाल लेते हैं, आर अपने आप निकल जाएगा। तो ए इज इक्वल टू, ये इधर आ गया मल्टीप्लाई, ये इधर आ डिवाइड, रो एल बाई आर। तो करना क्या है हम लोग को, ये तो हम लोग का आ गया, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू रख देते हैं हम लोग। रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है मेरी, 64 × 10⁻⁶, चलिए ठीक है। अब क्या है, लेंथ मेरा कितना है 198, और मेरा ये कितना है आर 7, क्या ये 7 से जाएगा, 7 × 2 = 14, और नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसा रखना है कि, चलिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है कि कहाँ पे क्या चीज़ रखना है, आप लोग को भी हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम लोग भी सीख के नहीं आए थे पेट से, जो कहा जाता है ना, हम लोग भी यहीं सीखे हैं। पाई इधर नीचे गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 64 × 10⁻⁶ × 198 बाई 7, और ये रहा पाई, मैंने एरिया पाई आर स्क्वायर कर दिया, क्यों, वायर का लेंथ सर्कल फॉर्म में होता है तो इसलिए मैंने उसका एरिया पाई रख दिया। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू 64 × 10⁻⁶ × 198 बाय 7 × 22/7, देखिएगा अब ध्यान से, 7 से 7 कैंसिल आउट। अब देखिए ये 11 से जरूर जा रहा है, 11 × 2 = 22, 11 × 1 = 11, 8 = अब देखिए 2 से ये 9। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे आर क्यों ही रख लिया, देखें देखिए, जैसे मैं अंडर रूट में लूँगा 64 8 का हो जाएगा और ये 3 का हो जाएगा स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 × 9, और 10 टू पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं हम लोग,
आर इक्वल टू अंडर रूट 64 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर। आ गया आर इक्वल टू 64 8 का, ये 3 का, और ये स्क्वायर इसको हटा दिया, इंटू 10 टू पावर 3। आर इक्वल टू 24 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 क्या चीज़ में है मेरा, सेंटीमीटर में। तो हम लोगों ने इसको सेंटीमीटर में डिनोट कर लिया। देखिए ये जी है, इस तरह रेजिस्टिविटी सवाल देंगे। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल पड़े हुए हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी से एक सवाल तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। और ये तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सर मुझे एक बार दोबारा बता दीजिए। मगर मेरी वीडियो जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर सकिए, दूसरों को समझा सकिए कि हाँ ये करिए, जिसे मैं एग्ज़ाम में, जैसे मैं और बच्चों की तैयारी करवाया हूँ कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए थे, आप लोग भी पूरे पूरे नंबर लाइए, अपनी यही खुशी रहती है, और क्या है, जॉब के बाद यही करना है। तो ओके, बाय, थैंक यू।